नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी। लाइफ की दो बड़ी अपडेट है। सबसे बड़ी अपडेट है कि हमें घर मिल गया है और हम उस घर में शिफ्ट हो चुके हैं और वहीं से मैं अभी निकला हूँ। और दूसरी बड़ी अपडेट लाइफ की है कि हमें जिम भी मिल गया जहाँ हम अभी जा रहे हैं। तो लाइफ ट्रैक पे वापस आ रही है, शेड्यूल वापस बन रहा है, वर्कआउट्स भी शुरू हो गए हैं, ऑफिस भी ठीक चल रहा है। आपकी विशेज, आपकी दुआओं के लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 6 और यहाँ पर हो रही है अच्छी खासी ठंड, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने ये वूलन कैप और बहुत सारी जैकेट वैकेट भी डाली हुई है। मेरा जिम यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर मैं वॉक करके जाता हूँ तो मुझे 20 मिनट लगते हैं, विच इज़ नॉट बैड, लेकिन आना जाना 40 मिनट होता है और वर्कआउट तकरीबन 2 घंटे का होता है, तो 3-3.5 घंटे जिम में चले जाते हैं। इसलिए मैंने अपना एक साथी ढूंढा है जो मुझे जिम बहुत आसानी से 5 मिनट में ले जाता है, और वो मेरा साथी है ये छोटू स्कूटर। ये बैटरी से चलने वाला स्कूटर है जो मैंने सेकेंड हैंड फेसबुक मार्केट प्लेस से खरीदा है। इस पे बस खड़े होना है, हल्का सा धक्का लगाना है और ये भाई चल पड़ता है। बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, रोड्स बड़ी अच्छी हैं, फुटपाथ बड़े अच्छे हैं, तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आज हमें लगाना है एक पुल वर्कआउट, और मैंने वर्कआउट शुरू करें, सीरियस वर्कआउट शुरू करें ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद। मेरा वेट कम हुआ है, मेरी मसल भी गिरी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कवर अप करेंगे। मैंने अपने लिए प्रॉपर एक डाइट प्लान बनाया है, सप्लीमेंट प्लान बनाया है, वर्कआउट प्लान बनाया है, जो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। टेक्निकली आज मेरा इस जिम में 3रा दिन है। और ये है मेरे घर की बिल्डिंग के सामने की सड़क, इसे कहते हैं पैसिफिक हाईवे। ये सारे दिन सारी रात यहाँ बहुत तेज गाड़ियाँ चलती रहती है, और भाई हम इस पे स्कूटर चला के नहीं जाएंगे, डेंजरस होता है, हम चलेंगे पीछे की सड़क से। सो बिना ज्यादा टाइम खोए स्कूटर पे चढ़ते हैं और जिम चलते हैं। वहां पर शूट करना अलाउड नहीं है, अगर मैं चुपचाप थोड़ी क्लिप्स ले पाया तो कोशिश करूंगा। मात्र 3-4 मिनट में हमारा जिम आ गया है। ये रोड क्रॉस करनी है और जिम एंटर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द वर्कआउट। बहुत बड़ा जिम है, 2 फ्लोर का जिम है। फर्स्ट फ्लोर पे वेट सेक्शन है ऊपर, और नीचे कार्डियो सेक्शन है। सबसे अच्छी बात है कि मैं स्कूटर को जिम के अंदर यहाँ चुपचाप खड़ा कर सकता हूँ और ऊपर जाके अपना वर्कआउट करूँगा। लो कर लो बात, मैं पहली बार संडे को आया हूँ जिम में, और आई थिंक पूरी दुनिया की तरह इस जिम में भी संडे को वर्कआउट करने का चलन नहीं है। पूरा जिम खाली, आई थिंक संडे को सबका ऑफ डे होता है वर्ल्ड वाइड, लेकिन मेरा ऑन डे होता है। सबसे ज्यादा मजा मुझे संडे को ही आता है वर्कआउट करने में, इसी वजह से पूरा जिम खाली है। आई डोंट थिंक कोई शूट करने के लिए टोकेगा अगर कोई आया नहीं तो, वैसे भी स्टाफ नहीं होता सुबह यहाँ पर। जिम आप देख रहे हो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है, साफ सुथरा, क्लीन, मशीन्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास, चकाचक नहीं है। आई थिंक ये नया खुला है अभी। तो पूरे जिम में ये जगह है जहाँ म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम है। वर्कआउट के बारे में आपको बताता हूँ, वर्कआउट बिल्कुल बेसिक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, कैलोरीज थोड़ी हाई करी हुई है क्योंकि मुझे मसल पुट ऑन करना है, अपनी खोई हुई मसल वापस चाहिए मुझे, इसलिए मैं हाई कैलोरी खाना खा रहा हूँ, हाई प्रोटीन खाना खा रहा हूँ, और वर्कआउट की वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। तो पुल वर्कआउट में 2 पैक की एक्सरसाइज रहेंगी, एक हम वर्टिकल मूवमेंट करेंगे लैट पुल डाउन, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे रोइंग सीटेड, उसकी मशीन है यहाँ पर। एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की करेंगे और उसके बाद एक एक्सरसाइज लेग्स की करेंगे। मैं वर्कआउट केवल हफ्ते में 4 दिन कर पा रहा हूँ, पुश पुल फॉलो कर रहा हूँ। पुश वाले दिन एक लेग की एक्सरसाइज होती है, पुल वाले दिन भी एक लेग की एक्सरसाइज होती है, पुशिंग एंड पुलिंग रिस्पेक्टिवली। सो इन टोटल 15-16 सेट, हर सेट को मैं पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, फेलियर तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हुई है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई नो अगर मैं एक प्लान के साथ चला सो आई विल रिकवर, आई विल गेट माई स्ट्रेंथ एंड साइज बैक वेरी सून। तो वर्कआउट शुरू करते हैं। Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.
lit up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. देखो यार, चक्कर क्या है, वर्कआउट तो हो गया है बहुत अच्छा, लेकिन मौसम हो गया है बारिश का और मेरे पास कोई छाता नहीं है, और ये जो मेरी छोटी सी स्कूटी है इसको बारिश में नहीं चलाना है भाई, ये खराब हो जाती है, इसमें बोला गया है। तो मुझे भागना है फटाफट घर, ताकि मैं बारिश से बच पाऊँ और कहीं रास्ते में अटकू ना। तो मैं आपको घर पे मिलता हूँ। तो आई एम बैक एट होम, नहाने धोने की तैयारी हो रही है, और जब मैं वापस आया तो ये छोटू बच्चू उठा हुआ था। गुड मॉर्निंग विहान, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। विहान फीचर कर रहा है हमारे पहले ऑस्ट्रेलिया के व्लॉग में। नहीं, ये कह रहा पहला नहीं है। हाँ अच्छा, इसका अपीयरेंस पहले भी हो चुका है, बस इसने बहुत मेच्योरली बिहेव किया है। मुझे लगा ये ज़्यादा हेल्प नहीं करा पाएगा, अपने में मस्त रहेगा, बट ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। पूरे मूव में इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा सहायता की है। ही हैज़ बीन वेरी ब्रेव, किसी चीज़ को मना नहीं किया, कोई ज़्यादा तंग नहीं किया। तो ये बहुत अच्छा बच्चा है, और कल से इसका स्कूल शुरू हो रहा है, इसका एडमिशन हो चुका है, और इसके मुंह पे आपको मिक्स फीलिंग दिखेंगी, जाने का मन भी है और नहीं भी है। बाकी यार, घर की अपडेट ये है कि घर का टूर मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। ये बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं ना, ये खुलेंगे, थोड़ा फर्नीचर बनेगा, सेट होगा, उसके बाद आई थिंक इट्स फेयर टू गिव यू अ गुड टूर ऑफ द हाउस। घर मुझे अच्छा लगा, घर ढूंढना यहाँ मुश्किल है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मुश्किलें आई और हमें घर कैसे मिला। सब कुछ महंगा है यहाँ, बट इवेंचुअली आई थिंक वी आर गुड विद द ऑप्शन दैट वी गॉट। और इसी बात पे बारिश शुरू हो चुकी है, रिश्ता अभी भी जिम में, आई थिंक वो फंसेगी। अभी जरा वर्कआउट और डाइट की बात करते हैं। अगर आप मेरी तरह गैप के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे को तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का गैप आया है, जिसमें मेरा वर्कआउट, बेटा थोड़ा धीरे बोलना, व्यान डोर बंद कर लो, जिसमें मेरा वर्कआउट प्रॉपर नहीं हो पाया है। काफी हफ्ते तो ऐसे थे मैंने एक वर्कआउट भी नहीं लगाया, डाइट भी बहुत ऊपर नीचे थी, मैं कुछ ट्रैक नहीं कर पा रहा था। बट फ्रॉम लास्ट 3 डेज आई हैव ट्राइड टू कम बैक ऑन ट्रैक। और जब आप इतने गैप के बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ गिरती है, आपका मसल लॉस भी होता है। आप अगर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्लीन नहीं खा पा रहे, जो कि ज्यादातर केसेस में होगा, तो आपकी बॉडी में फैट भी बढ़ जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ है, आई हैव पुट ऑन फैट, आई हैव लॉस्ट मसल, मेरी स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम हुई है, जो मुझे अब जिम जाके रियलाइज हो रही है। सबसे अच्छा तरीका होता है स्टिक टू बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स एंड स्टिक टू बेसिक्स। मॉडरेट वेट के साथ मैं 12 से 15 रेप रेंज में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेक एवरी सेट टू फेलियर। इंटेंसिटी हाई रख रहा हूँ, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई नहीं रख रहा हूँ। चॉइस ऑफ एक्सरसाइज ऐसी है जो मसल को अच्छे से स्टिमुलेट करे, लेकिन बहुत वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस नहीं है। ए, आई वांट टू गेट माय स्ट्रेंथ बैक। जितना मैं वेट पहले लिफ्ट कर पा रहा था, जिस इंटेंसिटी से, जितने रेप में निकाल पा रहा था, मुझे उसी सिचुएशन में वापस पहुंचना है जल्दी, और मुझे अपनी डाइट अच्छी रखनी है, कैलोरीज थोड़ा हाई रखनी है, मेनली फ्रॉम प्रोटीन एंड गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, ताकि आई गेट माय मसल बैक। अब मेरे एज के साथ चैलेंज है, आई एम 40+, तो मेरे लिए इस प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। ज्यादातर व्यूअर्स मेरे यंग है, तो आपके लिए प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। मसल मेमोरी होती है, बॉडी बिल्ड्स द मसल वेरी क्विकली दैट यू हैड, एंड प्रॉब्ली यू कैन गेन मोर देन व्हाट यू हैड। तो मेरा वर्क शेड्यूल थोड़ा ऐसा है कि आई एम नॉट एबल टू हैव 5-6 मील्स, आई एम स्टिकिंग टू 3 मील्स और एक प्री वर्कआउट जो मैं शेक लेता हूँ, उसी में मैं सारी कैलोरीज कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है, लेट्स सी हाउ इट गोज, पर मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आई एम रियली पम्प्ड अप। मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ वर्कआउट करने के लिए, वेट उठाने के लिए, अच्छी डाइट लेने के लिए, और ऑनेस्टली इसी वजह से मैं बहुत टाइम से वीडियोस ही नहीं बना रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा जिस टाइप का मेरा लाइफस्टाइल चल रहा है, ना मेरी डाइट ट्रैक पे है, ना मैं वर्कआउट कर पा रहा हूँ। स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, घर नहीं था मेरे पास, मेरे पेरेंट्स वहां पर है, सो यू नो होल लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग।
हो सकता है मैं शूट कर पाता, एडिट कर पाता, लेकिन कोई मैसेज नहीं था मेरे पास, रैंडम चीजें दिखाने का मेरा मन नहीं था. नाउ दैट आई हैव पुट अ प्लान इन प्लेस, नाउ दैट लाइफ इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, आई एम हैप्पी टू मेक वीडियोस. आई विल गेट टाइम और मैं और वीडियोस बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि मेरा ये जो फेज है जिसमें मैं अपनी मसल वापस पाना चाहता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहता हूँ द वे इट वॉज अर्लियर, वो कैसा जाएगा. सो आई होप इट विल बी ऑल अपहिल फ्रॉम हियर. अच्छी चीजें होती रहेंगी, आपकी दुआएं आपकी विशेष मेरे साथ हैं, इसलिए थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस, आई एम गेटिंग अ गुड फीलिंग, माई फैमिली इज सेटल्ड, सब खुश हैं, सबको घर पसंद आ रहा है, लोग अच्छे हैं, जिम पास में मिल गया, इश्ता के कजन्स भी यहाँ पास में रहते हैं तो उनसे भी हम मिलते रहते हैं. तो थैंक यू सो मच आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट, आपकी विशेष के लिए. घर का टूर पेंडिंग है, आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें घर का टूर होगा, क्योंकि अगर मैं आपको अभी घर दिखाऊंगा तो आप मुझ पे तरस खाओगे. तो मैं अब नहाऊंगा धोऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली हम आज एक चीट मील के लिए जाएंगे, लेकिन वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा. आई जस्ट वॉन्टेड टू पास ऑन अ मैसेज कि मेरी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, वर्कआउट शुरू हो चुका है और वीडियोज अब बनते रहेंगे. देखते रहिएगा इस चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ.